अब देखिए थर्ड वाला फंक्शन y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू, लेट कर लेते ये फंक्शन ले लिए हम tan x, इसका इनवर्स ठीक, या इस तरह से लिख लेते हैं, ज्यादा लंबा हम लोग नहीं ले चलते ठीक। इनवर्स फंक्शन ले लिए इसका, y इक्वल टू हम लोग ले लिए tan इनवर्स x। तो देखिए यहां पे y इक्वल टू tan x फंक्शन लेते हैं हम लोग tan x, इसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं ठीक है। तो ये 1 1 कब होगा, ऑन 2 कब होगा, तो थोड़ा ग्राफ देखते हैं इसका कि tan x का याद होगा ग्राफ क्या होगा, तुम लोग को बताए हैं कि ये क्या है, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ, ये कहां से कहां तक, इस तरह से आता माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, फिर उसके बाद इस तरह से पाई, इस तरह से आया, इस तरह से चला गया ठीक है। ये पाई बाय 2 और ये पाई जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, और फिर ये माइनस 3 पाई बाय 2, इस तरह से आया, इस तरह से जाता रहता, ऐसे ढिकचक करता हुआ ग्राफ निकलता रहता, तो ये ग्राफ इस तरह से मूव करता रहता। अब मुझे 1 1 बनाना, तो कहां से कहां तक का ले लें, माइनस पाई बाय 2 से लेके 1 1 बन जाएगा। अब ये पॉइंट सभी को मालूम है कि कहां तक चला जाता है, इनफिनाइट पे, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये पॉइंट सब जो माइनस इन्फिनिटिव तक, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका ठीक। अगर हम यहां पे ये फंक्शन को ले लिए कि अगर ये फंक्शन को अगर हम ले लिए मॉडिफाइड कर दिए कि इसका, तो हम माइनस इन्फिनिटिव से खाली एन पाई बाई टू नहीं होता था, इन मीन्स कि पाई बाई टू जहां पे ऑड टाइम पाई बाई टू है उसको हम रिमूव कर देते थे, तो हम यहां पे सिर्फ ये पार्ट ले रहे हैं, कौन सा पार्ट ले रहे हैं, ये वाला ठीक, यही वाला ले रहा है ना, ये वाला ले लिए, कोई दिक्कत। तो अब यहां पे अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू इंक्लूड होगा, पाई बाई टू इंक्लूड होगा, कहे कि पाई बाई टू पे आंसर क्या दे रहा, इन्फिनाइट देता, दैट मीन्स नॉट डिफाइन, इसका मतलब रिजल्ट नहीं है, जिस इनपुट पे रिजल्ट नहीं होता है वो डोमेन होता नहीं होता, डोमेन का मतलब वैलिड इनपुट ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, कोई दिक्कत किसी को। रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं हम लोग आर, तो इस फंक्शन का क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, अब इसी का इनवर्स निकालते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं f इनवर्स इस फंक्शन का इनवर्स इक्वल टू y, y इक्वल टू tan इनवर्स लिखे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन यहां पे लिखते हैं हम लोग, डोमेन क्या हो जाएगा, यहां पे इसका जो रेंज था उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, x का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, जल्दी से बताना, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, तो टेन इनवर्स का वैल्यू हमेशा टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, जल्दी से बता, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है तुम्हारे लोग का ठीक है, ये सब ध्यान देना कि टेन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, इंक्लूडेड नहीं है, मैंने ऑप्शन दिया रहेगा इंक्लूडेड, यहां पे इक्वल का साइन दिया रहेगा, या ऐसे रेंज पूछ देगा, ऐसे ब्रैकेट में हेर फेर ठीक है, वो साइन इनवर्स का हो जाएगा, आइए टेन इनवर्स एक्स का ब्रैकेट के हेर फेर में साइन इनवर्स और टेन इनवर्स मिलते, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाय टू, तो जल्दी से नोट करो। तो हम लोग लिए थे ये वाले ग्राफ की, तो जरूरत हम लोग को 1 1 बनाने के लिए जरूरत है।
अब देखिए इसकी ग्राफ की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हम बोले कि इमेज बनाना वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा इसका देखने में अच्छा लगेगा, इसका परेशानी नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स का, वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बनाना। तो सबसे पहले इमेज बनाना था इसका, देखिए तो इसका इमेज बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और इसका इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मगर मुझे इनपुट पर ध्यान देना, इनपुट कहां से कहां तक जाएगा भाई, ठीक है, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये लिमिटेड था, जीरो से कहां तक जाएगा, इधर पाई बाई टू, इधर क्या है माइनस बाई टू, इसका इनपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और मीन्स रेंज कहां से कहां तक जाएगा, y का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे है तो इसका इमेज घुस देखेंगे तो ऐसे झुका हुआ नजर आएगा, ऐसे है तो ऐसे नजर आएगा ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऐसे, इसको झुकाना नहीं है, ठीक है, झुक गया तो मर गया, ठीक है, क्या है कि ऊपर ही बढ़ता रहेगा, ठीक है, पाई बाई टू को टच करता रहेगा इन्फिनिटी पे, किसको पाई बाई टू पे टच करता रहेगा, और ये अब ये थोड़ा ध्यान देना, ये कैसा फिगर बनता हुआ आ रहा, इन्फिनिटी पे ये जाके धीरे धीरे टच कर देगा, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पाई बाई टू को इन्फोनाइट पर ही टच करेगा, ठीक है, काहे कि अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे बात किए टेंस 60 डिग्री कितना होता, 60 डिग्री कितना होता, रूट थ्री, तो टेन इनवर्स रूट थ्री कितना हो जाएगा, कितना होगा, अरे भाई tan 60 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माने पाई बाय थ्री, ठीक है। अगर हम पढ़े हैं कि tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या इन्फिनिटी, तो tan इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पढ़े हैं tan इन tan पाई बाई फोर इक्वल टू क्या वन, तो tan इनवर्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय फोर, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस इन्फिनिटी से हम लोग कहां तक जाएंगे, अब वन पे मुझे क्या देगा, अगर x का वैल्यू वन दे देंगे, x का वैल्यू वन देंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा पाई बाय फोर, अब माइनस वन दे देंगे तो क्या दे देगा मुझे माइनस पाई बाय फोर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। तो हमारा tan इनवर्स का, आप देखो तो ये ग्राफ में थोड़ा ध्यान देना, एक फॉ था उल्टा फॉ, ये नॉर्मल फॉ, cos इनवर्स का नॉर्मल फॉ आया था, ये देखो तो लेटा हुआ फॉ है, अगर ये फॉ है इसको लेटा दोगे ऐसे, फॉ जैसा बना नजर आ रहा, ये ऐसे ही ग्राफ बना है ना, इसको सीधा करोगे तो तुझे फॉ नजर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ है तो पूरा फॉ हिंदी वाला ना नजर आएगा, तुमने हिंट दे रहा है कि ये फॉ बन गया। अब देखो यहां पे, अब आगे चलते हैं कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉसेक पे जाएंगे, सेक पे जाएंगे उसके बाद कॉसेक पे जाएंगे।
अगर y इक्वल टू यहां पे ले लिए y इक्वल टू ये cot इनवर्स x, ठीक। तो सबसे पहले किस फंक्शन से आ रहा, y इक्वल टू cot x। अगर ग्राफ बताएंगे तो कैसे बनता है इसका ग्राफ, cot 0 कितना होता है जल्दी से बताना, थोड़ा सा tan 0 कितना होता, कितना होता जोर से बोलो ना, 0 tan 0 इक्वल टू क्या होता 0। अगर 0 पे जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटिव, ठीक। तो cot पहले ही 0 पर क्या हो जाता, 0 पे क्या हो जाता, cot 0 क्या होगा यार, इन्फिनिटिव होगा ना, समझ में आया। तो cot 0 0 पे ही, आप यहां पे पाई बाई 2 पे cot 0 क्या होता, cot पाई बाई 2 क्या होता, क्या होता, इन्फिनिटिव, tan भी इन्फिनिटिव होता, cot भी इन्फिनिटिव होता, रेसिप्रोकल मालूम है ना क्या होता, हाँ तो बोलना भाई, ये तो सब सोचने के लिए आधा cot, ये एंगल सोचने के लिए दो दिन लग गया क्या। तो अब यहां पे जीरो लिए, ये क्या ले लिए पाई बाई टू लिए, ये क्या लिए पाई लिए, ठीक। इधर ले लिए माइनस पाई बाय टू, और ये क्या ले लिए माइनस पाई, ठीक। अगर जीरो पर सीधे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से ऐसे उठता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक चला जाएगा ऐसे, और फिर ये इन्फिनिटिव आप जीरो पे, और दूसरा ये उठेगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, माइनस जिस पे ये जीरो, तो ये भी इन्फिनिटिव देगा, ये भी उठता हुआ चला जाएगा कैसे, ठीक। टैन कैसे घूमता हुआ जा रहा था ऐसे, ठीक टैन ऐसे जा रहा था, कॉट कैसे जाएगा ऐसे ऐसे करता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब दूसरा लेके आगे चलेंगे तो आगे ये क्या हो जाएगा पाई, उसके बाद क्या हो जाएगा थ्री पाई बाय टू, उसके बाद टू पाई, तो ये ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो ये कॉट मूव करता हुआ इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर जाते हैं तो ये कॉट का करेंगे, तो अब यहाँ पे अगर ये लेके चलते हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे रहा, ये जीरो से लेकर कहाँ तक चला गया पाई तक, और ये क्या, ये किसका, अब मुझे वन वन फंक्शन बनाना, ठीक है, वन वन फंक्शन बनाना है। तो वन वन फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कहाँ से कहाँ तक ले, जीरो से लेके पाई तक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका स्टैंडर्ड क्या ले लेते हैं, डोमेन क्या ले लेते हैं, जीरो से लेके पाई तक। तो इस फंक्शन का अगर डोमेन, माने फंक्शन ले लिए, डोमेन क्या ले लिए, जीरो से लेके पाई तक, अरेंज क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से, अब देखो जीरो इंक्लूड है, जीरो पे इन्फिनिटिव है और पाई पे क्या इन्फिनिटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ये इंक्लूड नहीं हुआ, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक। तो जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, तो डोमेन कहां से कहां तक होगा, जीरो से पाई, रेंज कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तब यह फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन भी हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, डोमेन क्या होगा जल्दी से बताना, जो उसका रेंज है, ठीक, माइनस इन्फिनिटिव से माने आर, रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो गया जीरो से लेके पाई तक। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा अगर लेके आते हैं, तो मीन्स कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, और वाई का वैल्यू माने कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक पाई तक, ठीक। अगर बोले ग्राफिकली, अगर बाद में बात करेंगे, अगर तुम्हारे बोले कॉट
ठीक है, कॉट पाई बाई सिक्स कितना होता है जल्दी से बताना, कॉट 30 डिग्री, रूट थ्री, तो कॉट इनवर्स रूट थ्री कितना होगा, पाई बाय सिक्स। आंसर हमेशा देखना कि जीरो से पाई के बीच में आना चाहिए, आंसर बाहर नहीं भागना चाहिए, जीरो से लेके बाहर नहीं। अब यहां पे कॉट इनवर्स, आप यहां पे कॉट कॉट इनवर्स अगर वन ले लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय फोर। ठीक है, अब यहां पर हम निगेटिव नहीं लेंगे, कॉट इनवर्स माइनस वन का भी आंसर आता तो वो अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आंसर क्या होगा इसका, काहे कि जीरो से लेके मुझे। अब यहां पे बोले कि कॉट इनवर्स माइनस वन क्या होगा, निगेटिव कब होता, फर्स्ट क्वार्ट में कि सेकेंड क्वार्ट में, बताना भाई, सेकेंड क्वार्ट में, सेकेंड क्वार्ट में निगेटिव होता है, किस पॉइंट पे, आप माइनस वन किस पॉइंट पे होगा, पाई बाय फोर का टू टाइम्स कितना होगा 90, थ्री टाइम्स क्या होगा टेन 135 डिग्री कितना होता है माइनस वन, उसी का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर। अब यहां पे ध्यान दें टेन में ये नहीं लिखेंगे, ठीक है कॉट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो बाद में बताएंगे, और ये तो तुमने वैल्यू याद होना चाहिए कि रेंज इसका क्या दियो, जीरो से लेके पाई के बीच में, थ्री पाई बाय फोर इसके बीच में है तब लिख देंगे आंसर, हमें इसी से देखना आंसर मेरा यही आना चाहिए इसी के बीच में, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम गए कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिए, ठीक है सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं दे रहे, कॉट एक्स का ग्राफ देख लिए हम लोग, तो अब यहां पे मुझे इसका ही इसी का इमेज निकालना, जैसे थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगा था कॉस एक्स का तो वैसे ही डिफिकल्ट लगेगा। ठीक, इमेज बनाना है तो थोड़ा सा देख लो किसके रिस्पेक्ट में, वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बनाना मुझे। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, रेंज बताना भाई, हां बोलना, जीरो से लेके पाई तक। ठीक है, जीरो से लेके पाई तक होगा, और x का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, ये क्या होगा बीच वाला पाई बाय टू ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेना, ये सब भूलना नहीं रेंज। अब देखो यहां पे अगर लेते हैं बनाना चाहते हैं तो अब यहां पे अगर हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं तो ये इस देखो इमेज बनेगा तो ये कहां से ये? इसका इमेज इसमें बनेगा। ठीक है, यहां से पूरे का इमेज ये क्या होगा, इससे ऊपर बनेगा, ये पूरा का पूरा ऊपर बनेगा, किससे ऊपर बनेगा, इससे ऊपर बनेगा। ठीक है, और सिर्फ ये बनेगा इसका। ठीक, तो अब यहां पे अगर इमेज बनाएंगे तो हम लोग को कैसे इमेज बनेगा बन के नजर आता है, जैसे हम मुझे अभी निकाले थे टैन का कैसे बना था, टैन का किस तरह से बना था, टैन इनवर्स एक्स का ऐसे बना था ना। ठीक, इसको उल्टा दो, ये किसका बन जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। ठीक है,
जीरो पर, अगर हम यहाँ पे जीरो पे लेते हैं तो ये जीरो किस पे रिजल्ट मुझे दे देता, ठीक है। तो अब याद करो कि कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू, रिजल्ट बताओ क्या होगा, जीरो। टेन पाई बाई टू क्या होता, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो। तो कॉट पाई बाई टू क्या होगा, जीरो। तो कॉट इनवर्स अगर बोले जीरो इक्वल टू क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रखो पाल के, ठीक है, ठीक है। अब कॉट इनवर्स वन क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर बोल सकते हैं ना, वन कब होगा, पाई बाय फोर पे। तो अब कब, ये देखें माइनस इन्फिनिटिव से जीरो, तो जीरो से लेके अगर करेंगे तो ये अगर वन रखेंगे तो वन तो यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो वन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन रखेंगे तो आंसर मुझे क्या दे देगा, अगर वन कर देंगे तो ये क्या दे देगा, पाई बाय फोर। अब माइनस वन रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, थ्री पाई बाय फोर बन गया ना, थ्री पाई बाय फोर। अगर यहीं पे अगर हम दे देंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनाइट रखेंगे तो मुझे आंसर क्या देगा, पाई देगा। और जीरो रखेंगे तो क्या देगा मुझे, पॉजिटिव इन्फिनिटिव दे देगा। समझ में आया, इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड माइनस इन्फिनिटिव देंगे तो ये क्या आ जाएगा मुझे, पाई देगा। और जीरो देंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव इन्फिनिटिव। ये किसका ग्राफ बन के आ गया मेरा, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का। तो इसका इमेज बनकर, थोड़ा सा देखने में मुझे डिफिकल्ट लग रहा मगर इसका इमेज ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से वाई इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन एक्स का डोमेन कहां से कहां तक बोलो, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक, भाई लिखा अभी तो देखना, देख के भी तो बता बता, सो हुआ जैसे अरे भाई डोमेन क्या लिखे साइन इनवर्स एक्स का, तो फिर क्या क्यों बोल रहा, साइन एक्स इनवर्स की बात कर रहे थे, इनवर्स का बता, ठीक है, इनवर्स की बात कर रहे थे, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे उसी से लिंक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका देख लो, दूसरे का हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस एक्स का कभी ग्राफ ड्रॉ किया, किया या नहीं किया, y इक्वल टू कॉस एक्स, तू लोग जितना भी ट्रिगोमेट्री पढ़ा है ना, ट्रिगोमेट्री पढ़ा ना, ग्राफ बताए ना, जाके देखना y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स में अगर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखो, ठीक, साइन एक्स का ड्रॉ करते हैं, साइन एक्स का ड्रॉ करते हैं, साइन एक्स का ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ है, इसका रेसिप्रोकल, तो वाई इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ। अब इसका यहाँ पे पैरेलली एक इमेज ड्रॉ करते हैं, इसका ये बॉक्स है ना, ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिए और ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये डब्बा का इमेज ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, ये पूरे फिगर का ड्रॉ करेंगे इमेज कैसा बनेगा, ऐसे इसके सोचो यहां पर मिरर रख देंगे तो कैसा है? इस वाले का ऊपर बनेगा, इस वाले का नीचे बनेगा, इस वाले का कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा, इस वाले का क्या होगा, ऐसा बनेगा। कहोगे सर ये ग्राफ टूटा टूटा है, एक ठो डब्बा ऊपर है, एक ठो डब्बा नीचे है, एक ठो डब्बा इधर है, एक ठो डब्बा उधर। तो अब ये बताओ कि साइन जीरो क्या होता, जीरो, कॉस एक्स जीरो क्या होता, इनफिनाइट। तो जीरो पर इसका मतलब ग्राफ टूटेगा, उसका तो इनफिनाइट आंसर देगा। तो जीरो पे क्या होता, अगर जहां पे जीरो है तो वहां पे टूट जाता, जहां जहां पर साइन जीरो आता, जीरो किस किस पॉइंट पे आएगा, पाई पे आएगा,
टू पाई पे आएगा, तो यहां पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ये होगा, ये किसका ग्राफ बनेगा, वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये टूट गया, तो यहां पर कहां पर टूट गया, इस पॉइंट पे टूट रहा। तो अब हम इसको बनाने के लिए अगर लेते हैं, तो ये पॉइंट अगर हम लिए माइनस पाई बाई टू, और ये पॉइंट क्या ले लिए, ये पॉइंट क्या ले लिए, पाई बाय टू। अब डोमेन वन वन बनाना, तो कहां से कहां तक ग्राफ ले, अब थोड़ा देखो, तो हम यहां पे से हटा दिया, तो ग्राफ ये है, ऊपर वाला डब्बा ग्राफ है किसका, कॉसेक एक्स का, पीला वाली लाइन है ना, कॉसेक एक्स का ग्राफ है, समझ में आया, ये जो लाल वाली है वो कॉसेक एक्स का नहीं, वो किसका, साइन का, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ है, तो ये पीला वाला, तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या होगा, ग्राफ बनेगा, तो ऑन टू करने के लिए बताओ, तो हम ये वाला पार्ट ले रहे, ठीक है, और ये वाला पार्ट ले रहा, समझ में आया, वन वन और ऑन टू के लिए, बाइजेक्टिव के लिए देखो, तो यहां से यहां तक का ग्राफ और यहां से यहां तक का ग्राफ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह कटेगा, कटेगा ना, तब वन वन हो जाएगा, और ये पूरा ले लेंगे तो क्या होगा, अगर पैरेलल मारेंगे तो दो जगह कट जाएगा एक्स एक्सिस के, तो वन वन नहीं हुआ। तो वन वन के लिए कहां से कहां तक चाहिए, पाई बाई टू से लेके, डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन इसका क्या होना चाहिए, अगर फंक्शन लेंगे तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, बीच में जीरो तो आंसर नहीं दे रहा, जीरो तो नहीं है इंक्लूड ना, जीरो पर तो ग्राफ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब वो इनपुट नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा, जीरो को निकालना होगा, तो माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक जाएंगे, पाई बाई टू, जीरो नॉट इंक्लूडेड, जीरो को निकाल दिए, माइनस करके जीरो को निकाल दिए, आंसर क्या देगा, आप देखो ये जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में रिजल्ट देते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, ये तो ग्राफ बन रहा किससे, वन से बड़ा, वन से बड़ा बन रहा ना, वाई का वैल्यू क्या आ रहा, वन से ऊपर ही बन रहा, वन से कहां तक चला जा रहा, इन्फिनिटी तक चला जा रहा ना, तो वन से लेके यहाँ पे ये किससे चला जाएंगे, तो वन से स्टार्ट करेंगे, तो निगेटिव कहाँ जाए, माइनस इन्फिनिटिव से, माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक जा रहा, माइनस वन तक जा रहा ना, नीचे वाला कहाँ, माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव से वन तक, तो रेंज क्या हो जा रहा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस वन यूनियन वन से लेके कहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाए, अगर इसका हम, आप कहे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो उसका रेंज है, तो इसका डोमेन है, एक्स का वैल्यू का मतलब डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस वन, इन्फिनिटिव इंक्लूडेड कभी नहीं होता, ठीक है, यूनियन वन से लेके कहां तक, इन्फिनिटिव। अब रेंज क्या होगा, जल्दी से बताना, जो उसका डोमेन है, रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके जीरो नहीं होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाय टू और जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, यहीं पे लिख लेते झटके में। अब कहोगे सर इसका हम किस तरह से निकालेंगे, इमेज, ठीक है, थोड़ा सा देखने में है ना, मगर हम साइन इनवर्स एक्स के थ्रू जो बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स के थ्रू बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बन जाता। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है, उल्टा फ है, ठीक है, उल्टा फ है ना, यही है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये पीक पॉइंट कौन, ये पॉइंट क्या है, पाई बाई टू, और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। अब सोचो कि ये ट्रिक हम बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक है कि याद रखना तुझे, ठीक है, और नहीं तो प्लॉट करोगे तो वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लॉट करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हो गया काम खत्म। अब सोचो कि ये बॉल तुम्हारा टकराता, ये बॉल ऐसे निकल जाता रिफ्लेक्ट करके, हो सकता है ना, और ये बॉल तुम्हारे ऐसे टकराता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल जाता, तो साइन कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ये होगा,
ये पीला वाला, अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे इमेज, सोचे इमेज, तो ये इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसी ही बनेगा ना, इसका इसका इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा? ऐसी ही बनता हुआ आएगा ना, बनेगा ना। तो ये हो गया ये कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, कॉसेक इनवर्स का ये पीला वाला। क्या किए, ट्रिक देख लो कि साइन का ड्रॉ किया, साइन जहां पे इंट करते हुए टप्पा मार दी, ठीक है। तो आउटपुट कहां से, जीरो से लेके वाई, ये जीरो पे क्या देगा, इन्फिनिटिव, अगर आप टूटेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहां से जीरो से लेके कहां तक, माइनस फाइव, माइनस फाइव बाई टू से लेके जीरो, जीरो पे क्या होगा, टूटेगा, तो ग्राफ इस तरह से, ठीक है। आंसर माने कि आउटपुट कहां से कहां तक होगा, हमेशा आउटपुट कहां से कहां तक, माइनस वन से लेके कहां तक, इन्फिनिटिव, और यहां से वन से लेके कहां तक, सॉरी इनपुट क्या होगा, वन से लेके क्या है, इनपुट डोमेन, वन से लेके कहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इन्फिनिटिव, जैसे जैसे हम वन का वैल्यू वन टू टू करते हैं वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाता, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटिव पे जाएगा, इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मुझे आंसर दे जाएगा। काहे कि आप देखो यहाँ पे अगर बात करें तो, अगर ये बोले तो बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कहे कि कॉस, कॉस एक्स जीरो क्या होता, इन्फिनिटिव, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटिव इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इन्फिनिटिव पर मुझे रिजल्ट क्या देगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना। वैसे कॉस अगर हम लेके चलते हैं तो इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटिव है एक दफ़ा, नेगेटिव एक दफा, अगर यहाँ पे पाई बाई टू, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कॉसेक पाई बाई टू, पाई बाई टू क्या होता, वन, ठीक है, कॉसेक इनवर्स वन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे मुझे अगर वाई का वैल्यू अगर दे वन रखेंगे तो आंसर मुझे क्या दे रहा, पाई बाई टू मिल रहा ना, मिल रहा ना, वन रख रहे हैं तो पाई बाई टू क्या ना मिल रहा, पिक पे तो हो गया, ठीक। तो ये पीला वाला सिर्फ ये है किसका, कॉसेक इनवर्स, अब देखिए लास्ट वन क्या बचा हुआ, सिक, इसको निपटा देते हैं जल्दी में, अब तो इतना आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे कैसे ग्राफ निकालते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वन y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं sec इनवर्स x, ठीक है। उसका डोमेन क्या था, उसका डोमेन क्या था, cosec का, इससे जस्ट पहले वाले का डोमेन क्या था, जल्दी बताओ क्या था, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस वन, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटिव, रेंज क्या लिखा है था? आप देखो ये किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा, कॉस का रेंज जाके देखो क्या होता, जीरो से लेके पाई तक, तो लिखोगे जीरो से लेके पाई, कॉस किस पे जीरो होता, किस पे जीरो होता, कॉस 90 पे,
माने पाई बाई टू, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो का इन्फिनिटिव। तो जीरो से लेके पाई के बीच में जो इन्फिनिटिव है, पाई बाई टू ऐसा पॉइंट है जिसमें कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू नहीं होगा, मीन्स कि सॉरी कॉस का बोल रहा है सेक इनवर्स एक्स, कॉस एक्स वहां पर रिजल्ट इन्फिनिटिव देता, ये पॉइंट डोमेन में नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर सेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या इन्फिनिटिव आएगा, तो ये पॉइंट नहीं होगा। तो जैसे वहां पे हम बताए थे क्या कि माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक जाते थे, ठीक है, जीरो पे साइन क्या आ रहा था, साइन जीरो क्या होता, जीरो, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या इन्फिनिटिव, तो जीरो को हम क्या निकाल दिए थे, जिस पॉइंट पे आंसर इन्फिनिटिव मिले वो डोमेन नहीं हो सकता, तो वहां डोमेन नहीं होगा तो यहाँ पे रेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो से लेके पाई और ये होगा। अब इसका ग्राफ अगर यहाँ पे हम सिंपल अगर बात करेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, ग्राफ की डायरेक्ट बात कर लेते हैं, वैसे ही कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा रेंज, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच देते हैं, जीरो से लेके पाई तक, ठीक है, इसके बीच में पॉइंट कौन होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करके, ये किसका रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस एक्स का है ना, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बताएं, उसके इनवर्स का ऐसे ही बताएं ना, ऐसा थोड़ा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या था, ये पॉइंट कौन था, जल्दी से बता, माइनस वन, और ये पॉइंट कौन था, प्लस वन, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक जा रहा, माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक, माइनस वन तक, ये कौन जा रहा, इसका डोमेन, ठीक है। ग्राफ भी इसका वन से लेके इन्फिनिटिव, इसका ग्राफ कहां से कहां तक चलेगा, वन से लेके इन्फिनिटिव, जैसे उसका टप्पा खा के टर्न लिया था ना, इसका भी ग्राफ टप्पा मार के ऐसे टर्न लेंगे, ऐसे ये हो गया, ठीक है। बस इतने सा दिखाता है तुम्हारे फिगर में, कन्फ्यूज रहोगे कि इतने बड़ा ग्राफ होगा, कोई कोने में फिगर क्वेश्चन बुक में इतने सा ग्राफ दिखा देता, ठीक है। ये ग्राफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला पार्ट, ये किसका है, ये डॉटेड वाला वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, और ये वाला पार्ट, ये वाला जो ग्राफ है आपका वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वन पे क्या होता, हम यहां पे अगर बोले कि सेक, जीरो क्या होता, जल्दी से बताना, सेक जीरो क्या होता, वन होता ना, कॉस जीरो कितना होता, वन होता ना, तो सेक जीरो क्या होगा, अरे वन का रेसिप्रोकल क्या होता, तो वन होगा, अरे अजूबा में लगते हैं चलते हो, कॉस का रेसिप्रोकल है ना सेक, ठीक है, तो सेक जीरो क्या हो जाएगा, वन, अतः सेक इनवर्स वन क्या हो जाएगा, जीरो, ये सब ध्यान देना, ठीक है। अगर ये पूछ दे आपसे कि सेक पाई बाई टू क्या होगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, मार देंगे जान, कॉस पाई बाई टू क्या होता, कॉस पाई बाई टू क्या होता, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये किस पॉइंट पे देगा, इन्फिनिटी पे अगर दे दिया तो ये क्या दे देगा, पाई बाय टू, मगर ये वैलिड इनपुट नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं वैसे ही, ठीक है। अगर यहां पे अगर दे दिए कि सेक इनवर्स टू इक्वल टू क्या होगा, सेक 30 डिग्री कितना होता, 60 डिग्री बता कितना होगा, बता कितना होगा, टू, तो सेक टू क्या होगा, क्या होगा,
मीन्स पाई बाय 3। तो अब तुम्हारे यहां से चेक कर लोगे तो ये पॉइंट ये क्या हो सकता है, अगर 2 होगा यहाँ पे, ये 2 होगा, ये 2 1 2 होगा, तो ये पॉइंट तुम्हारे ये क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे, क्या निकल के आ जाएगा, अगर 2 देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, पाई बाय 3 नेगेटिव, ये सब ध्यान दे रहा है ना, ठीक है। तो अब यहां पे देखो तो ये ग्राफ हो गया, अब देखिए यहां पे, ठीक है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स पर हैं, कॉस इनवर्स सारा का सारा देखें, तो अब थोड़ा सा रिवाइज मारो तो कि हम बोलते हैं, बोलते हुए जाते हैं साइन इनवर्स एक्स पर जाओ, ठीक है, उसका डोमेन क्या है, रेंज पर फोकस करो, रेंज कहां से कहां तक आ रहा, माने कि फोर्थ क्वाड और फर्स्ट क्वाड, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, फोर्थ क्वाड और फर्स्ट क्वाड, तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होगा, फोर्थ क्वाड होगा या फर्स्ट क्वाड होगा, समझ में आया नहीं आया, फोर्थ क्वाड किसको बोलते हैं, तो भाई 0 से लेके कहां तक जाता है, फर्स्ट क्वाड कहां से कहां तक है, तुझे मालूम नहीं है 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड है, पाई बाई 2 से 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड, 90 से लेके 180, 180 से लेके 270 से लेके, अब उल्टा चलेगा तब क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा तो सीधे किस क्वाड में आता, फर्स्ट क्वाड में, फोर्थ क्वाड में, तो उल्टा चलेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो हम बोल सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक कौन सा क्वाड होगा, फोर्थ क्वाड होगा, तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर एंगल निकाल रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड या चलो कॉस का किस में आएगा, जल्दी से बताओ 0 से लेकर कहां तक दिए हुआ, दैट मींस फर्स्ट क्वाड सेकंड क्वाड, ठीक है, उसके बाद फोर्थ और माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक है रेंज, तो फोर्थ क्वाड और फर्स्ट क्वाड, फोर्थ क्वाड और फर्स्ट क्वाड, अब उसके बाद चलो क्वाड का क्या है, 0 से लेके पाई, फर्स्ट क्वाड या सेकंड क्वाड होगा कि नहीं होगा, उसके बाद कॉस का क्या, कॉसेक इनवर्स का क्या, फोर्थ क्वाड या माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो फोर्थ क्वाड और फर्स्ट क्वाड, ठीक है, उसके बाद सेक का क्या, 0 से लेके पाई, पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है, दैट मींस फर्स्ट और सेकंड, यही है ना आंसर, इसी में आ रहा ना, तो जल्दी से इसे नोट करो, और कुछ पॉइंट लिखाते हैं, तो ये पॉइंट लिख लो, तो लिखिए, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंटेड फंक्शन as angles, पहला पॉइंट, ठीक है, ऑल इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन रिप्रेजेंटेड एज एंगल्स, जितना भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन है डेट मीन्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट कैसे करता है, एज ए एंगल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स अगर यहाँ पे एंगल निकालेंगे और ये बोले कि अगर एक एग्जांपल लिए थे क्या कि वाई इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है डेफिनेशन से तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये ध्यान देना,
ठीक है, सभी का डोमेन निकालें, रेंज निकालें, निकाल के दिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहां पे एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, ठीक है, तो अब ग्राफ से देखो कि जब एक्स ग्रेटर देन जीरो देते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है, जल्दी से देखो तो ग्राफ, देखो तो ग्राफ में देखना कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वाई का वैल्यू। एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रहे हैं तो एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा, ठीक है, तो लिख लो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑल इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट एज इक्विट एंगल आंसर कहां से कहां तक आ रहा, जीरो से लेके पाइव साइन का पहले देख दी, जीरो से लेके अगर हमने अगर आंसर आता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो देते हैं तो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, कॉस में भी क्या लेते हैं जीरो से लेके अगर पाई बाई जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में अगर रखते हैं तो मुझे पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव निकल रिजल्ट निकलते हुए आ रहा ना, अगर निगेटिव लेते हैं तो मुझे क्या आ जाता, निगेटिव माने कि पाई बाई टू से बड़ा होना चाहिए तब ये कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर निगेटिव जैसे यहाँ पर माइनस वन रखेंगे कॉस इनवर्स माइनस वन रखते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या देता पाई देता है ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम। दूसरा तीसरा अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं जैसे रिजल्ट देते हैं कॉस इनवर्स अगर वन ले लेते हैं तो आंसर मुझे क्या आएगा, क्या आएगा कॉस थीटा जीरो कब होता, कॉस थीटा वन कब होता, जीरो पे, तो कॉस इनवर्स वन क्या होगा, कॉस इनवर्स वन बाई टू क्या होगा, तो मुझे सोचना है कॉस थीटा वन बाई टू कब होगा वन बाई टू किस पे होता, 60 डिग्री पे ना, मुझे सोचना कि कॉस इनवर्स 1 बाई टू लिख रहे हैं तो कॉस थीटा 1 बाय पाई बाई थ्री कब, माने कि 1 बाई टू कब होगा, किस पे होता 60 डिग्री पे ना, डैट मीन्स पाई बाई थ्री 60 डिग्री, अगर यहीं पे कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, इसमें मुझे इनवर्स का मतलब कि जो निकल के आता था, तो अब मुझे सोचना है कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू कब होता, कितने पे, माने पाई बाय सिक्स, ठीक है, जैसे यहां पे साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू कब होता, साइन थीटा वन रूट थ्री बाई टू कब होता, तो थीटा का एंगल बताना ना, ये पूछ रहा है कि रूट थ्री बाई टू कब होता, बताओ कौन सा एंगल, पाई बाय थ्री, बस यही तो है बेसिक फंक्शन सब, तुम देख कैसे बता सकते हो, पूरा एक एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी का बनाओगे या बेसिक तो या ऐसे बन जाएगा हर चैप्टर का, ठीक है, तो अब यहां पे एक्स लेस देन जीरो करते हैं, ठीक है, एक्स अगर लेस देन जीरो करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, लिखो इफ एक्स लेस देन जीरो If x less than 0, then sin inverse x, cos inverse x then sin inverse x,
कॉसेक इनवर्स, कॉसेक लिखोगे, कॉस नहीं, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंटेड एज एज माइनस पाई बाई टू से लेके टू जीरो, माइनस पाई बाई टू से लेके, अब साइन इनवर्स अगर एक्स लेस देन जीरो रख देते हैं, अगर यहां पे एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है माइनस वन से लेके कहां तक जाएगा जीरो तक, नेगेटिव यहां माइनस वन से जीरो, ये इसका भी कहां से जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से जीरो रेंज के अकॉर्डिंग, अब यहां पे ये क्या दे देंगे कॉसेक का कहां से कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से माइनस वन, माइनस वन जो रेंज है एक्स का जो वैल्यू है उस पर डोमेन जो है उस पर बात करेंगे, ठीक है, डोमेन अगर इस तीनों का नेगेटिव रखेंगे तो यह हमेशा आंसर ग्राफ किस में बन रहा फोर्थ क्वाड में, कहां से कहां तक ग्राफ बन रहा माइनस पाई बाई टू से लेकर, ग्राफ देखो कि ध्यान दोगे तो माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक बन रहा पाई बाय, तो ये कौन सा क्वाड है फोर्थ क्वाड, ठीक है, ये कौन सा क्वाड है फोर्थ क्वाड। अब फिर लिखो इसी में दूसरा पॉइंट, इसी में फोर्थ पॉइंट लिखो, हम ये तीन ठो की बात करें और भी बाकी है, उसमें ऑल की बात किए थे, इसमें तीन की बात किए, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज ध्यान दो, कभी गलत होने का कोई चांस तुमसे बनने वाला नहीं, होने वाला नहीं है, ठीक है। लिखो इफ एक्स लेस देन जीरो, इफ एक्स लेस देन जीरो देन कॉसेक इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट एन एक्यूट एंगल एंड सॉरी एक्यूट नहीं ऑप्टिज एंगल, एक्यूट तो उसमें चला गया था, ऑप्टिज एंगल, ऑप्टिज एंगल का मतलब सेकेंड क्वाड जीरो से 90 से लेकर 180 तक, तो लिख दो ब्रैकेट में सेकेंड क्वाड, सारा कंप्लीट हो गया, सारा ले लिए ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो लिए, एक्स लेस देन जीरो भी ले लिए, ठीक है। अब यहां पे तो थर्ड क्वाड का कोई यूज है, थर्ड क्वाड वैल्यू में कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकल के लाते, तो थर्ड क्वाड में कोई नहीं आ रहा आंसर, आ रहा कहीं पे नहीं आ रहा ना, साइन इनवर्स एक्स का या टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का कोई भी थर्ड क्वाड में आंसर दे रहा, जो एंगल निकल के आ रहा थर्ड क्वाड का मेंबर तो नहीं आ रहा, तो लिख लो थर्ड क्वाड इज नेवर यूज इन Never use in inverse trigonometry function माने ITF, ITF, ठीक है। अगर हम बात करें कि सभी का निचोड़ की बात करें अगर हम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि sin inverse x इसमें अगर बात करें ये जीरो ये पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, और ये दूसरा बैक आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इस दोनों को मिला के कौन रहता साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x का वैल्यू यहां से आता, ठीक है, कि sin इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, माने फोर्थ क्वार्ट का भी मेंबर हो सकता है और फर्स्ट क्वार्ट का भी मेंबर हो सकता है, tan इनवर्स का क्या हो सकता है फोर्थ क्वार्ट का भी मेंबर हो सकता है, और आंसर उसका माने कि
अब कॉटेक इनवर्स का क्या हो सकता, कॉसेक इनवर्स का भी वही हो सकता। अब टैन और बाकी जो बचा ठीक है वो कहां से कहां तक हो सकता, जीरो से लेके पाई तक कौन कौन होगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। थर्ड क्वाड में कोई नहीं है ठीक है। तो अगर तुम्हारे कोई बोले कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, या अगर थर्ड क्वाड का दे दिया कि थ्री पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू हम लिख दिए तो यहां पे कॉट इनवर्स दे दे तुम्हारे 210 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर आएगा ना, काहे कि यदि कभी बराबर 210 के बराबर कोई भी एंगल, ये सारा का सारा एंगल थर्ड क्वाड के एंगल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो सोचना इसके बारे में नहीं है। जिसका जहां तक रेंज है वही उसके बराबर में हो सकता, नहीं तो दूसरा कोई बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये सब पर ध्यान देना, सब छोटी छोटी चीज है आज के लिए लेक्चर, और ये कल जो है ना, कल जो आना तो ये सबको पूरा डिटो पढ़ के आना, जो दिक्कत है वो तुम पूछ लोगे ठीक है। जो नहीं समझ में आया, आया ना, ये याद रखना ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे और इसके वन बाय वन ग्राफ ध्यान में रखना, बना लेना ठीक है।